आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। मैं मोहम्मद आमिर, शार्क मीडिया न्यूज से। हमारी टीम इस समय सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र में है। हम इसौली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक अबरार अहमद के निवास स्थान पर हैं। अबरार अहमद इस विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए हैं। आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि क्या क्या कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने करवाए हैं और क्या क्या जन समस्याएं हैं उनके क्षेत्र में। राजनीति में कहां से आपका की रुचि जागी, पहला चुनाव कहां से लड़े? पहले तो सबसे पहले हमने जबरन नसबंदी के खिलाफ आंदोलन किया। अच्छा अच्छा 1974 से 2024 अगस्त से शुरू हुई आपातकाल छब्बीस को 5 बजे सरकार की गोलियों ने तड़तड़ाहट से कुछ लोगों को छुड़ा दिया जी। हम लोग जख्मी तब अस्पताल से बचे तब से राजनीति से सक्रिय हुए और यहाँ तक कि इतनी बड़ी रैली सुल्तानपुर में आज तक नहीं दी। न मेरे पास पैसा था, न संसाधन था जी। लेकिन ऊपर वाले कर्म जनता का प्यार मुझको हौसला देती रही। इतना हौसला दिया कि जिसको उन्होंने टिकट दिया था तीसरे नंबर से ले गया, जबकि पार्टी जीत दिया 100% जीत दिया। उसके बाद एक चुनाव और वापसवाई वो गेस्ट हाउस कांड में गवा थे, नेताजी ने उनको गवा तोड़कर टिकट दे दिया। हमने कहा नेताजी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है, कहें मतलब हमने वादा किया, हमको आप वादा किए, कार्यकर्ता वादा नहीं देता और जो इंतजार करता वो खत्म नहीं होता। नहीं माने फिर कार हम चुनाव विरोध करेंगे। हमने कही दिया तो सत्तर हजार ने मुझसे कहा कि अब मैं बड़ा हो जाऊँ बजट तुम मेरी बेची हूँ तो बस हमने कहा ठीक है चुनाव तो नहीं लड़ूंगा लेकिन तुमको अल्लाह का करम जवान उसने मेरे की बुरी तरह आ गई। अच्छा आ गए। उसके बाद 2005 में मलिक जहीन नाम का एक आदमी सुल्तानपुर है, तेज जाने दिल्ली में कारोबार है, वहीं ज़्यादा हवा हवा बनाया जाता है, नेताओं के यहाँ दिल्ली करता रहता है। उसको देख के आए, बहुत ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, लेकिन मैं उसका एहसानमंद हूँ कि जो सम्मान मुझे उसने दिया और जनता ने जो प्यार दिया सब खत्म हो गया। बुरी तरह वो हारे। फिर उसके बाद शुरुआत हुई जिला पंचायत की, खतौरा गया, वही शुरू हुआ नहीं पंचायत शुरू, मैं वहाँ लड़ा, तमाम पैसे वाले बेचारे हमको लड़ने शुरू किए, फिर पैसे में कमजोर थे लेकिन ऊपर वाला कर्म चाहे कोई प्रमुख रहा हो वो लड़ा, पैसे वाले लड़े का आराम मशीन और कारखाने वाले लड़े, लेकिन मैं सबसे जीता। 3 चुनाव मुसलसल जीते, कभी हार नहीं। जब जीते आगे बढ़ता गया तब विधानसभा के मन आया, हमने टिकट मांगा तो आजम साहब हमको मानते, उन्होंने हमको टिकट दिला दिया। यहाँ तक कि लोगों का मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे नहीं लिए वो, लेकिन यहाँ आजम साहब चुनाव में हमारे प्रचार में है तो लोगों ने उसमें एक्सीडेंट किया, हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, लेकिन तब भी वापस गए, फिर आए चुनाव प्रचार हुआ, हम बड़ी अच्छी तरह से 15,000 लोग जीते। फिर उसके बाद चुनाव खत्म हुआ, 5 साल हमने किया। 5 साल का रिकॉर्ड ये रहा कि सबसे पहले मैंने विधानसभा क्षेत्र में
जहाँ से श्रीपद मिश्रा मिस्टर हुए थे जी, वहाँ पर हम गए और यहाँ पर तहसील का इतना बड़ा था कि लोग वहाँ से आते थे 70-70 किलोमीटर चढ़कर तहसील के काम कराने, लेकिन नहीं, हमने तहसील बुलंदा का ही जुड़ाड़ों को तहसील अच्छा तहसील बनवा दिया, तहसील बनवा दिया, इसौली तहसील हो गई, इसौली तहसील बल्दी राय, बल्दी बल्दी राय तहसील हो गई आप कर, मतलब 3-4 किलोमीटर का फासला है वो पिटा रहा था, उसके बाद तहसील बन गई। किन किन से आपने चुनाव लड़ा? ओम पांडे नाम सुना है? हाँ जी जी, अम्बेडकर नगर के। हाँ ओम पांडे, उनके अपने भाई के लड़ाए थे, रमन जी जो हीरो रहे थे, इस क्षेत्र से लड़ाया था अपने भाई जी। हाँ जी, वो एक हैं पप्पू रिजवानी सिंह गाँव के जी, पट्टीदार हैं, पैसे वाले भी हैं, अच्छी हैं, लेकिन हम बस पास लड़े, जीते उसको। फिर उसके बाद वही मैं पप्पू उनको मोनू सिंह को जानते होंगे, सोनू मोनू सिंह, वो भी लड़े थे, वो भी हार गए, पप्पू रिजवान लड़ गए, और ये इमरान इमरान करके हैं उनके लड़के क्या रहते हैं इनके रूम में मुख्तार अंसारी एक गुर्गे हैं के समर्थन से लड़े, उन्हीं की पार्टी से, उनकी पार्टी से लड़े थे, लेकिन कौमी एकता दल से। हाँ, लेकिन आपकी दुआ से वो ऊपर वाले क्रम से मैं हर चुनाव जीता। इस सत्र में आपने क्या क्या काम करवाया? इस बार तो जीते आप, इस बार तो भाजपा की लहर थी, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशी निकले भाई, देखिए हम इसे हमको 2-3 इकाई तो मिली, उस नीति में हमने हैंडपम्प खरीद के लगाया, हैंडपम्प लगवाया, पानी पीने की व्यवस्था की, लाइट सोलर लाइट की व्यवस्था की, और तमाम लोगों को मुख्यमंत्री खोज से कैंसर के इलाज के पैसा, कितनी इलाज के लिए पैसा, जितनी जो भी मदद होता है पैसा कई करोड़ रुपया मिल जाता है। अच्छा, सीसी रोड भी बनवाई है? सीसी रोड तमाम 35 गांव में, घर जाइए देख लीजिए किसी भी गांव में, इतने मेरे गांव हैं, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग या पीसी रोड छोड़ा नहीं, ये सच है कि मेरे पास कुछ नहीं बना, मैं कुछ नहीं बना, आपकी दुआ से मेरे बाप दादा ने जमींदार थे, जहाँ से हम मुड़े हुए रोड से, उस रोड से ही यहाँ तक मेरे दादे बाबा जमींदार थे जी। आज भी वो जमीन खेवट में हमारे दादे बाबा के। अच्छा अच्छा, आज भी, लेकिन नहीं ऊपर वाले के बच्चों हमारे, हमने मैं एक डिग्री कॉलेज खोला, डिग्री कॉलेज तो सरकार ने खोला, लेकिन और हमने 6 अस्पताल बनवाए थे, पहला अस्पताल अजीम में हमने गाँव में, दूसरा इसवली में, तीसरा चंदौर में, चौथा वो क्या कहते हैं बौरा, पाँचवा बारा, छठवा हसनपुर, बढ़िया सी सी जिसको देखते हैं, पी एस सी पुलिस जैसे, और यहीं बगले जाके दे दीजिए कभी भीड़ चल रही हो, अस्पताल में मरीज दूर दूर तक आते हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जो आप प्रयास के बाद भी नहीं करवा पा रहे हैं? समस्याएं यही हैं कि गरीब लोगों को वो सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं जो सरकार को देनी चाहिए, जो हमको देनी चाहिए, क्यों इसे जमीन की झगड़ा है, लेखपाल कानून वो पुलिस बेलगाम है एक तो हम लोग मतलब थोड़ा अपने आप को लगाते हैं कहने का मतलब, लेकिन भाजपा विधायक किसी की साइकिल अगर दरोगा पकड़े नहीं पा रहे, भाजपा के विधायक की सुनी नहीं जाती है थाने में, कहते हैं जानते कैसे जीते हैं भाई, लेकिन सुनने उसी की आएगी जिसके पास ताकत होगी, जन समर्थन होगा उनके पास, तो उन्होंने जन समर्थन नाम भी जीते हैं योगी मोदी नाम से,
हूँ।